हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज हो रही है हरछठ की पूजा। जी हाँ, अभी सुबह का टाइम है, 8:30 का टाइम हो रहा होगा और आज है हरछठ। तो यहाँ पे मम्मी, ताई जी, आंटी, दादी सब लोग पूजा करने जा रही हैं हरछठ महारानी की। तो हरछठ का त्यौहार बेसिकली लड़कों के लिए रहा जाता है, तो यहाँ पे मम्मी लोग तैयारी कर रही हैं। और ये फेस्टिवल मेरे ससुराल में नहीं होता है, तो यहाँ पे मेरे मायके के साइड में होता है। आप लोग कितने लोग हैं जो मनाते हैं इस त्यौहार को, ज़रूर बताइएगा। इस आज के दिन फास्ट रखा जाता है, तो यहाँ पे मम्मी लोग पूजा की बस तैयारी शुरू कर दी हैं, स्टार्ट हो गई है पूजा करना। और ये पूजा किचन में होती है, मतलब किचन में की जाती है शुरू से। मैंने देखा है, ये मेरी दादी बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे चारों लोग आराम से देवरानी, जेठानी और सास बैठ करके पूजा कर रही हैं। तो वही मैं वीडियो बना रही थी, तो कैसे कैसे पूजा हो रही है आप देखते रहिए। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है कैसे क्या होता है, बट थोड़ा बहुत मैं देखी हूँ बचपन से, तो मुझे पता है कि यहाँ पर पूजा हो रही है, आइपन लगाया जा रहा है और हरछठ महारानी का कैलेंडर है। उनको पहले तो दादी बनाती थी दीवार पर, हरछठ महारानी की मतलब फ़ोटो बनाती थी, और अभी तो कैलेंडर आने लगा है तो उससे काम चलने लगा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, 8-7 तरह के कुछ अनाज भरे जाते हैं कटोरियों में, तो वही सब यहाँ पे हो रहा है और सब लोग पूजा कर रही हैं। उसके बाद कहानी होगी। बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा अरे मेरे पास टाइम नहीं, औरतों से कहा, औरतों ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, सबने कहा मेरे पास टाइम नहीं। एक भैया अंधी थी, उसने कहा चावल दे के चले गए गणेश भगवान। जब उधर से निकले तो देखा कि खीर बन गए। जब गणेश भगवान उधर से निकले तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया ने कहा तुम्हारी खीर बन गई है। उन्होंने कहा कि खीर की बनवाई है, अम्मा जो कहेंगी इतनी खीर बची उसको क्या करें, कहे आस पड़ोस सब जगह बांट डालो, और जो इतनी खीर बची उसको आस पड़ोस में बांट डालना और खीर की बनवाई मांग लेना। अच्छा, जब अपने पड़ोसियों से पूछा, मेरा पोता सोने के कटोरे में दूध पिया हूँ मैं देखूँ, बोले बेटा तुम, बोले बुढ़िया तुम बहुत भगवान की जय। तो यहाँ पे एक कहानी हो चुकी है गणेश भगवान की, अब यहाँ पे दूसरी कहानी मम्मी बोल रही हैं। तो एक एक करके दोनों लोग कहानी बोल चुकी हैं, अब आरती होगी। दंत दयावंत चार भुजा धारी, संत करे सेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुत वाग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय महारानी की जय। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह से पूजा हो रही है, और ये नीचे दादी के किचन में ही हो रही है, मतलब दादी जिस पोर्शन में रहती हैं सबसे नीचे वहाँ पे ही पूजा होती है। हम लोग, क्या मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी पूजा पाठ फेस्टिवल बर्थडे होता है हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो वही यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। और ये भी कोई एक देखिए ट्रेडिशन है करने का, ये कुछ गांठ बांध रहे हैं फिर खोलते हैं, ऐसा होता है। वही मैं पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, ये प्रोसेस का क्या है, तो वही सब मैं बातें भी करती जा रही हूँ मम्मी से, आंटी से और दादी से। पूजा होने के बाद देखिए अपने लड़कों के पैर इस तरह से धोए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले दादी कृष्णा के पैर धुल रही हैं, फिर पापा लोग आएंगे, एक एक करके पैर पोछेंगे, धुलेंगे, फिर अपने आंचल से, ये देखिए अपने आंचल साड़ी से उसको पोछते हैं लड़कों के पैर। ये वही मैंने बताया ना, लड़कों का व्रत होता है इसीलिए। तो एक एक करके पहले कृष्णा के दादी, फिर मम्मी, आंटी, ताई जी सब लोग यहाँ पे पैर धुल रहे हैं, पोछ रहे हैं। तो अभी जानू भी आ गए हैं, सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है सारे लड़कों को। तो यहाँ पे ये बस हो गया है, उसके बाद अब प्रसाद बटेगा, सब लोग को प्रसाद दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो पूजा
पूजा हो गई है, अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और आज मम्मी लोग का फास्ट है तो यहाँ पे चाय और मखाने खा रही हैं मम्मी लोग। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब बाथरूम में फेस वॉश कर रही हूँ और इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे फेस पैक, क्योंकि मेरे फेस पे कुछ पिंपल्स छोटे छोटे से हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे लिया है नीम पाउडर जो कि एल्प्स गुडनेस का है, जो कि मैं आपसे पहले ही रिव्यू दे चुकी हूँ, बट मैं लगा रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और इसमें आज मैं डालने वाली हूँ पर्पल का सिनेमिन एसेंशियल ऑयल। सिनेमिन मतलब दालचीनी होता है, तो दालचीनी का एसेंशियल ऑयल मैं इसमें एक ड्रॉप डालूँगी, एक से डेढ़ ड्रॉप डाल दूँगी, जिससे कि और अच्छे उसके जो गुण हैं दालचीनी के गुण हैं वो भी मुझे मिलेंगे। ये देखिए, ये है पर्पल एसेंशियल ऑयल। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर निकाल लिया है और इसकी एक ड्रॉप मैं डाल दूँगी और फिर इसको मैं रोज़ वाटर से घोल लूँगी, फिर इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पिंपल हो रहा है इसीलिए। तो ये देखिए, ये इसका बॉटल ये है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है और काफ़ी अच्छा है। आप जब इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे ना, तो आपके पूरे घर में, मतलब पूरे रूम में सिनेमन दालचीनी दालचीनी महकेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है दालचीनी का फ्लेवर। तो बहुत थोड़ा सा आपको यूज़ करना होता है। तो बस ये देखिए, मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर ले रही हूँ, स्पॉट ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मतलब स्पॉट जैसे एक जहाँ पर आपके दाना पिम्पल हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं ये एसेंशियल ऑयल, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह से अब मिल रही हूँ आपसे और इधर पीहू हैं, पीहू बनाना खा रही हैं। और मैं क्या कर रही थी, मैं अभी अपने फेस पे लगा रही थी नीम पाउडर, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे से पिंपल हो गए हैं। एक सेकंड में लाइट ऑन करती हूँ। वैसे मेरे पिंपल विम्पल होते नहीं है, तो मैंने स्पॉट ट्रीटमेंट किया है जिसके लिए मैंने लिया है नीम पाउडर, जैसा भी आपने देखा था। और मैंने इसमें डाला है ये पर्पल का सिनेमन एसेंशियल ऑयल, जिसकी सिर्फ एक से डेढ़ बूंद डाली है मैंने। और वो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पिंपल्स होते हैं तो आप भी इस तरह से अपना फेस पे DIY कर सकते हैं। तो मैंने आज सिनेमन एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। इसकी पैकेजिंग आप देखिए इस तरह की है, ये पर्पल कलर का है, ये बॉटल है। इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 10 ml है और कांच की बॉटल है। ड्रॉप स्पॉट ट्रीटमेंट किया है क्योंकि दो पिंपल्स छोटे छोटे से हैं, गर्मी में हो जाते हैं और आजकल मैंगो का सीजन है, मैंगो खाते हैं तो शायद इस वजह से। वैसे मेरे पिंपल्स होते नहीं हैं, तो वही मैं लगा रही थी। अभी मैं इसको थोड़ी देर में पूरे फेस पे भी लगा लूंगी, जिससे कि ये ठीक हो जाएगा और फेस पैक भी हो जाएगा। तो अगर इसके प्राइस की बात करें, मैं आपको प्राइस बता देती हूँ इसका, 199 rupees है। बट आप अगर purple.com से लेते हैं तो कोई ना कोई ऑफर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पैकेजिंग बहुत क्यूट है, ये देखिए कांच की बॉटल है। बस थोड़ा केयरफुली यूज करिएगा अगर घर में बच्चे हैं तो। और कि आप एसेंशियल ऑयल बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि एसेंशियल ऑयल को आप किसी डायरेक्ट मत अप्लाई करिएगा अपने फेस पे, बॉडी पे, कहीं पे भी, वरना ये आपको हार्म भी कर सकता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। इसलिए आपको कुछ ड्रॉप ही इसकी यूज करनी होती है, या तो ऑयल में या तो फिर किसी भी फेस पैक में आप डाल के इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस अभी इसको सूखने देती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था और वो सूख गया था, वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, भूल गई। पीहू के चक्कर में कुछ लग गई, मैं उसके साथ खेल रही थी। और यहाँ पे बस मैं फेस वॉश कर ले रही हूँ। तो अभी मैंने फेस वॉश किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। फ्रिज से मैंने आइस निकाली है और मैं उसको अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप आइस को कभी भी डायरेक्टली मत अप्लाई करिएगा अपने फेस पे, किसी क्लोथ में या फिर हैंकी में लपेट करके ही करिएगा। तो मैं यहाँ पे ठंडे पानी से ही वॉश कर रही हूँ, जिससे थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। तो
अच्छा लगता है ना फेस वॉश करने के बाद एकदम ठंडा ठंडा, ऊपर से मैंने आइस से भी वॉश कर लिया है, मतलब आइस वाटर से। और यहाँ देखिए पीहू बार बार आ रही है, खेल रही है कुछ, उसने अपना पाउडर का बॉट वो ले रखा है डिब्बा, आती है झाँकती है फिर चली जाती है। और यहाँ पर मम्मी ने सब्जी छौंक दिया है, तोरी की सब्जी और पराठे आज हम लोग खाने वाले हैं, तो सिंपल सा लंच होगा, तो वही हमारा यहाँ पर लंच मम्मी मतलब सब्जी मम्मी ने बना दिया है। तो वो बोल रही थी कि उसको चला देना और गैस धीमी कर देना, और मैं अब आ गई हूँ कि अपना फेस पोछने के लिए, पोछ करके फिर कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए, तो मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। उसके बाद यहाँ मम्मी किचन में कुछ अपना सामान सेट कर रही थी, फ्रिज में थोड़ा फ्रिज क्लीन कर रही थी, तो यहाँ पे सूजी है, बेसन है, वो सब छान करके देख करके मतलब क्लीन करके वो डिब्बे में भर के फ्रिज में रख देती हैं, तो फिर जब कभी भी यूज़ करना होता है तो बस निकालो और आराम से यूज़ कर लो, मतलब चेक मतलब फिर से नहीं चेक करना पड़ता है कि उसमें कीड़े हैं या नहीं हैं। तो वही मैं भी यहाँ पर देख रही थी कि मम्मी कैसे क्या कर रही हैं, उनकी हेल्प करवा रही थी। और बस ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा मैं चाल देती हूँ, आप भरती जाइए। और सर पे क्या रखा है? क्यों? क्योंकि मैं डांस करती हूँ। कौन से सॉन्ग में डांस कर रही हो? सिमरी 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 सिमरी। ये कौन सा है? सिमरी सिमरी। नन्नू के साथ करो। क्या? नन्नू के साथ डांस करो। नन्नू के साथ डांस करोगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बाद अब मिल रही हूँ आपसे, अभी शाम हो गई है, शाम के 7 बज रहे हैं। पीहू अपनी नन्नू के साथ ऊपर गई है वॉक करने के लिए और मैं जा रही थी, बट मैंने कहा चलो आपसे व्लॉग में बातें करती हूँ। और अभी बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो चुकी है, मैं सोच रही थी ऊपर जाती हूँ, पीहू तो ऊपर ही है अपनी नन्नू के साथ। और एक सेकेंड मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। हाँ अभी साफ आ रहे हैं। आज थी पूजा, पूजा में आज आपने देखा सुबह पूजा हो रही थी और आज हर छठ थी, तो मतलब आज बलराम देव जी का बर्थडे था, तो उन्हीं के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल जो है हल देव उन्हें कहा जाता है, तो इसलिए इसको हर छठ ये त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग कौन कौन है जो मनाते हैं बताइएगा कॉमेंट करके। और चलिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फिर दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे आप तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑल पे बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।